अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के सतत प्रयासों से अंडर ब्रिज निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है, लेकिन रेल लाइन के नीचे से निकले विद्युत लाइनें शिफ्ट करने के लिए रेल विभाग द्वारा 1.25 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जिसके लिए विधायक ने विधानसभा में इसके निर्माण को लेकर वित्त मंत्री से राशि की मांग करते हुए मामला उठाया। सभापति महोदय, एक मैं व्यक्तिगत मेरे क्षेत्र की बात माननी वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाह रहा हूं। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इस पे गौर करें कि अशोकनगर के बीच में एक रेलवे लाइन निकली है बिल्कुल बीच से, और रेलवे लाइन उसमें 20% शहर दूसरी तरफ है, 80% दूसरी तरफ है, और जिस तरफ 20% है वहीं पे हमारा जिला अस्पताल है, वहीं पे कलेक्टर है, तहसील है, अदालत है, जेल है, सारे विभाग उधर है। लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए अगर अस्पताल में हमें जाना हो, अस्पताल रेलवे लाइन से एक 50 मीटर दूरी पे, रेलवे लाइन से अस्पताल की बाउंड्री 50 मीटर, लेकिन यदि शहर के इधर कोई बीमार हो जाए, इमरजेंसी हो, तो 3 किलोमीटर चक्कर लगाए हॉस्पिटल जाती है, एम्बुलेंस जाए, तो वहां पे एक अंडर ब्रिज स्वीकृत हुआ है। पिछले लंबे समय से उसका काम चल रहा है, लेकिन रेलवे ने अंडर ब्रिज इस शर्त पे स्वीकृत किया था, उनके नॉर्म थे कि वहीं पे ओवर ब्रिज थोड़ी दूरी पे, तो उन्होंने कहा जल्दी स्वीकृति दे दी और काम भी रेलवे करेगा, लेकिन उन्होंने कहा फंड की फंड जो है आप कहीं से भी जुटाएं। तो उस समय उन्होंने उसकी लागत थी 3 करोड़ 65 लाख। तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 1 करोड़ 53 लाख रुपए तत्काल जो है हमारे तत्कालीन सांसद श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी ने अपनी सांसद निधि से दिए, 50 लाख रुपए हमने अशोकनगर नगरपालिका से ट्रांसफर कराए रेलवे विभाग को, और 1 करोड़ 62 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी ने मध्य प्रदेश राज्य शासन ने दिया पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और रेलवे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कराए। अब उसमें काम भी चल रहा है, लेकिन काम क्यों रुका, बहुत जरूरी है शहर के लिए, बहुत बड़ी समस्या है। अब उसमें समस्या ये है कि जिस जगह अंडरब्रिज बना है, अंडरब्रिज हो गया, लेकिन जो साइड रोड जो बनना है उसमें रेल विद्युत विभाग का अंडरग्राउंड लाइनें है वो ट्रांसफर होना है, उसके लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए का एस्टीमेट रेलवे विभाग ने दिया है, वो रेलवे विभाग को 1 करोड़ 25 लाख देना है। वित्त मंत्री जी से निवेदन है 1 करोड़ 25 लाख का प्रोविजन करके और रेलवे विभाग को दे दे, ताकि अशोकनगर का अंडर ब्रिज बन सके। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र हमेशा आपका आभारी रहेगा, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।